फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आप सभी जरूर रिलेट करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो है कि हम इंडो प्लांट, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप इंडो प्लांट अपने घर में कौन कौन से लगा सकते हैं, तो इंडो प्लांट तो लगा लिए, पर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंडो प्लांट्स में कि उनको वाटरिंग कैसे करें, क्योंकि हम जो इंडो प्लांट रखते हैं वो किसी कॉर्नर पर रखते हैं, टेबल पर रखते हैं या फिर ऐसी जगह पर रखते हैं जो फर्श एरिया होता है, तो जब हम वाटरिंग करते हैं तो बहुत सारी गंदगी फैल जाती है। तो एक राइट वे होता है कि कैसे हम इंडोर प्लांट्स को वाटर दें, तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, पर वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने इंडोर प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर हम केन से पानी देते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग इस वाटरिंग केन से पानी देते हैं अपने इंडोर अंदर जो भी प्लांट हमने रखे हैं, सोफे के साइड में, टेबल पे या काउंटर टॉप पे या कहीं भी ऐसी जगह पर, विंडो पर, तो पानी क्या होता है कि यहाँ से पूरा फैल जाता है चारों तरफ। और अगर हमने इसको निकाल दिया और निकालने के बाद सिर्फ यहाँ से पानी दिया, सिर्फ बेस में पानी दिया, फिर भी क्या समस्या आती है कि पानी जो होता है वो बेस में से निकल जाता है तुरंत ही, जल्दी से, और निकल कर क्या होता है कि ऐसे बॉटम ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। बॉटम ट्रे में जब पानी इकट्ठा हो जाता है फिर क्या होता है कि हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी स्मेल की प्रॉब्लम इंडोर हो जाती है, या फिर क्या होता है कि मच्छरों की प्रॉब्लम हो जाती है अगर पानी इस ट्रे में जमा रह गया। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे आपको लेना है प्लास्टिक का टब, अपने सारे प्लांट्स को इसमें लगा देना है और आपको भरना है इसमें पानी। आपको टब में पानी रखना है, आप इस टब को बाथरूम में भी रख सकते हैं, आप अपने गार्डनिंग एरिया में भी रख सकते हैं, आपको जहाँ से टेबल लगे आप वहाँ पर इसको रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से 3 से 4 इंच पानी आपने भर दिया इस तरीके से। अब क्या होगा कि इनकी रूट्स जो हैं वो पानी, मिट्टी जो है वो सक करके अपने जितना पानी नीड है उतना पानी ले लेगा, बाकी वो पानी एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स को फर्टिलाइज़र मिल जाए तो आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें इस तरीके से आप इसी पानी में पोर कर दीजिए। इस तरीके से आप पोर कर देंगे तो आपको पानी के साथ साथ प्लांट को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसमें DAP घोल कर पहले इस पानी में 5 से 10 मिनट रख दीजिए, DAP जब पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाए फिर अपने प्लांट को इनमें रखिए। आप देखेंगे कि थोड़ी देर 10 से 15 मिनट में ये प्लांट ऊपर तक नमी मिट्टी सोख लेगी और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये प्लांट पूरा अच्छे से पानी मिल जाता है। ऐसे क्या करते हैं, जब हम ऊपर से पानी देते हैं तो प्लांट नीचे से ड्रेनेज होल से पानी तुरंत ही निकल जाता है, फिर क्या होता है कि प्लांट्स को पूरा वाटर नहीं मिल पाता है और इधर उधर पानी बिखर जाता है। इसीलिए आप इस तरीके से अगर पानी देंगे तो आपको कम से कम इंडोर प्लांट्स को 1 वीक तक पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब तक हमारे प्लांट पानी ले रहे हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने जो मेरा पिछला वीडियो है, जो कौन कौन से इंडोर प्लांट्स अगर आप बिगनर हैं तो आप लगा सकते हैं अपने घर में, वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से प्लांट आपको इंडोर लगाने हैं। और इस तरीके से वाटरिंग देने का बहुत ही अच्छा तरीका है, मुझे बिल्कुल भी कभी भी परेशानी नहीं होती प्लांट्स को वाटर देने में। अब मैं दिखाती हूँ कि प्लांट्स 10 से 15 मिनट के बाद इन प्लांट में, ये देखिए, ये ऊपर तक पानी, देखिए ये मिट्टी मॉइस्ट हो गई है और कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी सी रह गई है, इसलिए इसे मैं 5 मिनट के लिए और रख दूंगी इसी बकेट में, सॉरी इसी टब में, और 5 मिनट के बाद इन सारे प्लांट को निकाल कर मैं बाथरूम में ही छोड़ देती हूँ या फिर जहाँ पर मैं गार्डनिंग करती हूँ बाहर इसको वहाँ पर रख देती हूँ। 5-10 मिनट के लिए इन पॉट्स को आप छोड़ दीजिए और जो भी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये पॉट है और ये देखिए इसमें से ज़्यादा पानी ड्रेन आउट नहीं होता है। और इसके बाद देखिए, आप तुरंत तुरंत एक साफ कपड़ा रख लीजिए, उससे आप इसके जो गमले हैं उनको क्लीन कर, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए आप इस तरीके से आप एक पुराने कपड़े से इस पॉट को भी ऐसे क्लीन कर लीजिए, तो हो गया वीक में आपको पानी देने का और पॉट को क्लीन करने का काम एक साथ हो जाएगा
और देखिए जो पानी हमने इस तरीके से दिया है वो ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं होता है, इसीलिए 5 मिनट के बाद आप इन पॉट्स को उठाकर उनकी अपनी जगह पर रख दीजिए। बस हो गया, आपको प्लांट्स को सिर्फ हफ्ते में एक बार इस तरीके से ही पानी अगर आप देंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।